गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। मैं राजीव सर आप लोगों को लक्ष्य के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का थर्ड ईयर सेमेस्टर का पेपर बहुत अच्छे तरह से गया होगा और हम लोग थर्ड सेमेस्टर खत्म करने के बाद हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में एंट्री करने जा रहे हैं। तो आज मैं फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल जे ब्रांच के लिए आपका नेटवर्क जे थ्योरी के पेपर का आपको वीडियो बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस नेटवर्क जे थ्योरी पेपर्स में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, इसके सिलेबस के बारे में ब्रीफ आइडिया जानेंगे और उसके बाद हमको उससे रिलेटेड जो है हम लोग कंटेंट के बारे में आपको चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेटवर्क जे थ्योरी में कौन कौन सा हम लोगों को टॉपिक लर्न करना है, कौन कौन सा सिलेबस हमारा है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे आपके बोर्ड पर हमने आपका आपको नेटवर्क जे थ्योरी पेपर में टोटल जो है 8 यूनिट्स हमको आप लोगों को पढ़ाना है, जिसमें बहुत सारा यूनिट ऐसे हैं जो कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहले आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ और उसके बाद हम लोग वन बाई वन करके टॉपिक के अंदर हम लोग इसके आपको कंटेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनिट वन में, पहला यूनिट में आपको बेसिक सर्किट एलिमेंट्स एंड वेवफॉर्म्स है हमारा, जिसमें आपको सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में जानना है, स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स के बारे में जानना है और साइनोसाइडल सिग्नल्स क्या होता है ये हमको डिस्कस करना है। सेकेंड यूनिट में है मेस एंड नोड एनालिसिस, जिसमें हमको किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मेस एंड नोड एनालिसिस क्या है और मैग्नेटिक कपलिंग क्या है, ये हमको किस में डिस्कस करना है, मेस एंड नोड एनालिसिस में। थर्ड यूनिट आपका है फूरियर सीरीज, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। इस फूरियर सीरीज के अंदर हमको कितने टाइप का फूरियर सीरीज होता है उसके बारे में डिस्कस करना है और फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसके बारे में हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। चौथा यूनिट है लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड द एप्लीकेशन, लैपलेस का नीड क्यों पड़ा हमारा, ठीक है, लैपलेस का कहाँ हम यूज करते हैं, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा यूनिट है रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है हमारा, दो टाइप्स के रेजोनेंस के बारे में बताएंगे, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। इसमें बहुत सारा टर्म्स होगा, जैसे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है हमारा, बैंडविड्थ क्या होता है हमारा, हाफ पावर पॉइंट क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा है टू पोर्ट नेटवर्क, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है हमारा, कितने टाइप्स का टू पोर्ट नेटवर्क हमारा होता है, सिमेट्रिक नेटवर्क किसको बोलते हैं, अनसिमेट्रिक नेटवर्क क्या होता है हमारा, ये इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क में। जैसे कि इसके अंदर हम लोग को इंट्रोडक्शन जानना है, ये ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एडमिटेंस पैरामीटर, ये आपका टाइप्स है टू पोर्ट नेटवर्क का, जिसमें हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। सेवेंथ में है पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस, ठीक है, ये आपका जो है इसमें हम लोग डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली तीन टाइप्स के नेटवर्क की डिजाइनिंग करते हैं हम लोग, एक RL होता है, एक RC सर्किट होता है, एक LC सर्किट होता है। तो आप लोगों को दो सर्किट के बारे में डिस्कस करना है, RL और RC। उससे पहले, डिजाइन करने के पहले हम लोग जानेंगे कि आपका पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है, हर्विक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे पैसिव नेटवर्क में। और लास्ट यूनिट आपका जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको जानना है। बुक्स की बात जहाँ तक है तो बुक्स आपका जो है रिकमेंड करने हैं, हमने यहाँ पर चार राइटर्स का बुक लिखे हैं। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में बुक परचेस किए होंगे, अभिजीत चक्रवर्ती, उसी बुक को रखना है, वो बुक जो है सफिशियंट है आपको। तो इसीलिए मैंने जब थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ा रहा था तो उस समय हम लोग कहे थे कि आप जो है बुक जो नेटवर्क एंड सिंथेसिस का जो खरीदेंगे, नेटवर्क एंड सिस्टम का, वो किसका, ए चक्रवर्ती का। ऐसे डी राय चौधरी भी अच्छी बुक है, GK मित्तल का भी अच्छा है, वाल्केन वर्ग भी अच्छी बुक है, ए चक्रवर्ती। लेकिन स्टूडेंट जो है फैमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं सजेशन करूंगा कि ये ए चक्रवर्ती ही बुक आप लोग परचेज करेंगे। इसका लैंग्वेज इजी है, इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व है हमारा, बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दिया भी गया है हमारा। ये डी राय चौधरी, इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है,
आपका जीके मिटल भी इजी लैंग्वेज, लेकिन इसमें आपको पैसिव सिंथेसिस ऑफ नेटवर्क नहीं मिलेगा। वेल्कन वर्ग, वेल्कन वर्ग में कुछ खासियत है, इसमें आपका टू पोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, लेकिन आपका पैसिव या नेटवर्क सिंथेसिस भी इस बुक में नहीं मिलेगी। तो ये सारा जो सिलेबस जो कवर कर रहा है वो कौन सा है, एक चक्रवर्ती। इसलिए आप लोग परचेज जो बुक करेंगे वो एक चक्रवर्ती ही बुक परचेज करेंगे। तो इसमें से बहुत सारा जो चैप्टर हम लोगों का है जो कि लर्न करना है आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी, वो बहुत सारा कॉमन जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग थर्ड सेमेस्टर में भी जान चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, वो कौन कौन सा है, मेस एंड नोड एनालिसिस पढ़ चुके हैं हम लोग, लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी आप लोग पढ़े होंगे, रेजोनेंस मैप डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया था, आपको बेसिक जो सर्किट के एलिमेंट्स इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, साइन वेव क्या होता है, उसमें आपको साइनोसाइडल वेव का कैसे हमारा फॉर्मेशन होता है, आपका जनरेशन कैसे होता है, डीसी सिग्नल के बारे में भी बताए थे, स्टैंडर्ड सिग्नल यहाँ पर है तो स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल क्या होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों को आपको फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बनाने जा रहा हूँ फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए, वो जो कौन सा पेपर है नेटवर्क या थ्योरी का। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है हमारा सर्किट कंपोनेंट। सर्किट कंपोनेंट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सर्किट कंपोनेंट में रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी इसमें हम लोग डिटेल से इसके बारे में डिस्कस किए थे, जो कि हमको इस सेमेस्टर में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप थर्ड सेमेस्टर पास कर गए हो तभी फोर्थ सेमेस्टर में आए हो, तो ये सारे चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस सर्किट कंपोनेंट के बारे में हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम जो डिस्कशन आज करेंगे वो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स क्या होता है और साइनोसाइडल सिग्नल्स क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में बताया था कि कैसे हमारा एसी वोल्टेज का जनरेशन होता है, और उसमें बहुत सारा बेसिक टर्म्स आपको बताए थे, लीडिंग क्या होता है, लैगिंग क्या होता है, पावर फैक्टर किसको बोलते हैं, फेज किसको बोलते हैं, अल्टरनेशन क्या होता है आपको, उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारा चीज़, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और यदि हम लोग एसी का जब चैप्टर डील किए थे तो वहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसमें मेस एंड नोड एनालिसिस में आपका जो भी कंटेंट है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी आपको चीज़ ऐसा नहीं है जो कि डिस्कस करने लायक है। किरचॉफ्स लॉ के बारे में बताए थे, दो लॉ था हमारा, एक केवीएल इक्वेशन था और एक केसीएल इक्वेशन था। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताए थे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्यों किया जाता है, किसी भी नेटवर्क को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमको क्या, कोई यदि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो उस केस में हम नेटवर्क को इजी करने के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का नीड पड़ा था, जिसमें दो टाइप का आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताए थे, एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज करेंगे और एक बताए थे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे चेंज करेंगे। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में दो टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताए थे, वोल्टेज सोर्स चेंज इनटू करंट सोर्स, करंट सोर्स चेंज इनटू वोल्टेज सोर्स। ऑलरेडी इस सारे चीज के बारे में हम लोग थर्ड सेमेस्टर में डिटेल से हम लोग जाने थे। मेस और नोड एनालिसिस क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस किए थे अच्छी तरह से, इस पर बेस हम लोग प्रॉब्लम भी बताए थे। और मेस और नोड में एक आपको एक्स्ट्रा चीज आपको बताए थे कि सुपर मेस क्या होता है और सुपर नोड क्या होता है, तो ये चीज के बारे में भी हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। यहाँ पर एक नया चीज है वो मैग्नेटिक कपलिंग, तो हम यहाँ पर आप लोगों को कहा मैग्नेटिक कपलिंग इस टॉपिक में पढ़ाएंगे, ये टॉपिक के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं हम लोग, इसलिए ये सारे चीज को हमको जानने की जरूरत नहीं है। हम क्या पढ़ाएंगे यहाँ पर इस टॉपिक में आपको, मैग्नेटिक कपलिंग से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है फूरियर सीरीज, ये न्यू जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि फूरियर सीरीज होता क्या है हमारा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूरियर सीरीज कितने टाइप का होता है, इसका नीड क्यों पड़ा, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, ठीक है। तो आज वन बाय वन करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड देयर एप्लीकेशन। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड देयर एप्लीकेशन ये भी आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे मैथ्स में, मैं नहीं पढ़ाया था आपको, कोई और पढ़ाया होगा, लेकिन ये टॉपिक डिस्कस पूरा जो है आपको सिलेबस में पढ़ना था, ठीक है। ये भी चाहो तो हम कह सकते हैं कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में भी यदि आप लोग कहोगे तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपको इसके बारे में आता है। तो
तो ये भी आप फैमिलियर हो। रेजोनेंस, रेजोनेंस पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ाए थे कि रेजोनेंस होता क्या है, कितने टाइप का रेजोनेंस है, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है हमारा, रेजोनेंस कर्व किसको बोलते हैं, ये सारे चीज हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। टू पोर्ट नेटवर्क, ये टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है हमारा, टू पोर्ट का नीड क्यों पड़ा हमारा, टू पोर्ट नेटवर्क किसे कहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है हमारा, और हम लोग अनसिमेट्रिकल नेटवर्क के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद है पैसिव नेटवर्क या सिंथेसिस। याद करो जब नेटवर्क थ्योरी का हम डेफिनेशन बताए थे तो कहे थे आपका नेटवर्क या थ्योरी हमारा इंजीनियरिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डील करेंगे, आपका इनपुट जो है अप्लाई करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारा कैसा होगा। दूसरा हम बताए थे कि नेटवर्क का डिजाइनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन से। तो यहाँ हमको इसमें नेटवर्क ऑफ डिजाइनिंग पढ़ना है। तीन टाइप का नेटवर्क का डिजाइनिंग होता है, एक को हम लोग बोलते हैं आरएल नेटवर्क, एक को बोलते हैं आरसी नेटवर्क, और तीसरा जो हमारा होता है एलसी नेटवर्क। आपके सिलेबस में दो नेटवर्क का डिजाइनिंग पढ़ना है, लेकिन मैं आपको तीनों नेटवर्क का डिजाइनिंग पढ़ाऊंगा। डिजाइन करने के पहले हर एक ये नेटवर्क का डिजाइनिंग नहीं होता है, उसी नेटवर्क का डिजाइनिंग हम लोग करते हैं जो नेटवर्क हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रियल फंक्शन होता है। तो पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई फंक्शन कैसे आप समझोगे कि वो पॉजिटिव रियल है या नहीं है, और उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई फंक्शन हमारा पॉलीनोमियल, मतलब कोई पॉलीनोमियल फंक्शन जो हर्बिट कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको बताएंगे जब डिजाइनिंग करते हैं। तो जो सिस्टम हमारा स्टेबल होता है और पीआरएफ जो सिस्टम होता है उसी का हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। यदि हमारा सिस्टम पीआरएफ नहीं होगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं होगा, तो उसका डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं है। और पीआरएफ होने के लिए उस फंक्शन जो होना चाहिए वो हर्बिट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग तीन चीज जानेंगे, आपका हर्बिट पॉलीनोमियल फंक्शन क्या है, पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है आपको, उसके बाद हम डिजाइनिंग तीन टाइप के नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, आरएल नेटवर्क क्या है, आरसी नेटवर्क का डिजाइनिंग करेंगे और एलसी का कैसे डिजाइनिंग करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किसको बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कैसे बोलते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो कैसे आप बताओगे किसी भी सर्किट को देख के कि ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है या सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। ये ब्रीफ आइडिया जो हो गया आपको किसके सिलेबस के बारे में। तो हम यहाँ पर जो स्टार्ट आप लोगों को करेंगे वो कहाँ से, यदि हम डिटेल्स में पढ़ाना जब जाएंगे सिलेबस पर आएंगे तो सबसे पहले हम टू पोर्ट नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको टू पोर्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाएंगे जो कि यहाँ पर देख रहे हो मेस एंड नोड एनालिसिस में है। इसमें ये तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग जान पढ़ चुके हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं, मेस एंड नोड एनालिसिस भी पढ़ गए हैं, बचा है क्या मैग्नेटिक कपलिंग। तो पहला हम कौन सा टू पोर्ट नेटवर्क जाएंगे, उसके बाद आपको मैग्नेटिक कपलिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फिर आपको फूरियर सीरीज में चले जाएंगे, फिर आपका क्या है आपका पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस में जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा से जाने कि सबसे पहले ये जानेंगे कि स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल किसको कहते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये जो सिलेबस आपके बोर्ड पर हमने मेंशन किया है इसको आप नोट डाउन करेंगे।